उम्मत के। ले चलो बुशरा बुशरा मैम मैम याद आया मुझे थोड़ा सा बोलू बुशरा। हाँ बुशरा। हाँ मैम। चलिए बताइए मालव जी फौजदार में हमने क्या देखा था? मैम मैं बोलू मुझे याद आया थोड़ा सा। बुशरा बोले कि बुशरा आपको भी याद नहीं ना? हाँ मैम। याद नहीं ना? मैम मुझे याद है। बुशरा को ही पूछा है और सब क्यों बोल रहे हैं बीच में? बुशरा बुशरा बेटा टीचर बात करते हैं तो हमें आंसर देना चाहिए। फातिमा देती है ना आंसर? चलिए बुशरा भी वन टाइम पूरा लेसन लिखेगी और मुझे फोटो सेंड करेगी। प्रियांशी गर्ल्स आप माइक अनम्यूट कीजिए फटाफट, यहाँ आपकी मर्जी से नहीं है, टीचर ने कहा है माइक अनम्यूट करना है मतलब करना है, फिर आप आंसर नहीं दे रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा। फिर आपको मैं आंसर ना दूं तो कैसा लगेगा आपको? ये कोई बात नहीं है कि आप टीचर को आंसर नहीं दे रहे हो। फटाफट माइक अनम्यूट कीजिए जिनके नाम बोले जाते हैं वो। प्रियांशी प्रियांशी बताओ बेटा क्या था मालव जी फौजदार में? मालव जी फौजदार में शिवाजी को सपना आया था कि एक सिपाही, शिवाजी के यहाँ एक सिपाही था जो अपनी प्राण के लिए अपने प्राण गवा दिया था, उसके बच्चे को ओके वेरी गुड। चलो कोशिश तो की प्रियांशी आपने, अच्छा लगा मुझे। चलो प्रियांशी नहीं लिखेगी। चलो इकरा आप बताओ। हाँ मैम बता। मैं मालव जी फौजदार में ये हुआ था कि पहला दृश्य कि शिवाजी पलंग पर सो रहे हैं और वहाँ एक मालोजी नाम का बालक उसको मारने आ जाता है क्योंकि उसे एक सैनिक ने लालच दी कि तुम शिवाजी को मार डालोगे तो मैं तुझे धन दूंगा, इसलिए वह शिवाजी के कमरे में गया और उसे नंगी नंगी तलवार लेके मारने ही वाला था कि तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और शिवाजी की आंख डरावने सपने से खुल गए और उसने प्रेम पूर्वक तानाजी को देखा और शिवाजी ने बालक को पूछा, ए बालक तेरा नाम क्या है? बालक ने निडरता से कहा कि मेरा नाम मालव जी है। तो कि ताना जी कहते हैं कि इस मृत्यु इस अपराध से तुम्हें क्या सजा हो सकती तुम्हें पता है? तो तब मालव जी कहते हैं कि हाँ मृत्यु मृत्यु दंड हो सकता है। शिवाजी ने कहा मृत्यु दंड के पहले मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मालव जी कहते हैं क्या? शिवाजी कहते हैं वेरी गुड। चलो ओके परफेक्ट इकरा वेरी गुड बेटा। चलो फातिमा याद आया था ना तुम्हें कुछ बताओ? हाँ मिस। शिवाजी को एक सपना आया था ये तो हो गया,
ये हो गया, इससे आगे। उसने उसने कहा कि मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें इस राज का, तुम्हें राज, ये राज का क्या बनना है तुम्हें। फिर मिस आगे कुछ हामिद ने थोड़ा तुम्हें कुछ तुम्हें भी याद नहीं है फातिमा, इकरा को ही सब याद है, बाकी सबको किसी को याद नहीं है। और प्रियांशी ने थोड़ा बताया, इकरा बुशरा सॉरी फातिमा बुशरा सब लिखेंगे लेसन को और मुझे फोटो भेजेंगे। ओके, तो शिवाजी ने कहा कि इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा तुम जानते हो। वहां तक इकरा ने बताया, वो सब सही था, परफेक्ट। तो मालव जी कहता है कि हाँ आप मुझे मृत्यु दंड देंगे। तो शिवाजी कहते हैं कि तुम्हें मृत्यु दंड पाने से पहले मुझे एक बात पता नहीं होगी। तो मालव जी कहते हैं क्या, तो शिवाजी कहते हैं कि तुम मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो। तो मालव जी कहता है नहीं। तो फिर दूसरा सवाल करते हैं कि क्या मैंने तुम्हें कभी कोई कष्ट पहुंचाया है, हानि पहुंचाई है, या मैंने कभी राष्ट्रद्रोह किया है। तो मालव जी कहता है नहीं। तो शिवाजी पूछते हैं तो फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। तब मालव जी बताते हैं कि मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे और युद्ध में लड़ते हुए देश के लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिया। अब मेरे घर में मैं और मेरी माता दोनों ही हैं और 3 महीने से हमें पेट भर खाना नहीं मिला है, अन्न नहीं मिला है। और इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है पर पेट की भूख नहीं। तो इसी विचार में मैं बैठा था कि एक सिपाही ने आकर मुझे लालच दिया कि अगर तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। और मैं इसी लालच में आ गया और मैं आपका वध करने के लिए चला आया और आप उसी समय जाग गए। तो शिवाजी कहते हैं कि अगर तुम्हें इतना कष्ट था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। तो मालव जी कहते हैं कि मेरे आने की क्या जरूरत थी, जिस वीर सैनिक ने अपने देश के लिए अपने प्राण गवा दिए हो उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आगे यहाँ से शिवाजी कहते हैं, चलो इकरा पढ़ो। तो हाँ मैम, शिवाजी तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मालव जी, मृत्यु दंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी, वह क्या? मालव जी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करने करके न लौटे तो मालूम मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौटाऊंगा। वेरी गुड। अब शिवाजी जो हैं वो कहते हैं कि तानाजी इस बालक को ले जाओ और जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्यु दंड देंगे, ऐसा झूठा मोटा दिखावा करते हैं। तो मालव जी कहते हैं कि आप मुझे मृत्यु दंड दे, उससे पहले मैं आपसे एक बात की भीख मांगता हूँ। तो शिवाजी कहते हैं क्या, तो के मरने से पहले, मालव जी कहता है मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के दर्शन करना चाहता हूँ। तो शिवाजी कहते हैं कि मैं तुम्हें जाने तो दूं पर तुम लौट के नहीं आए तो, ये भी है ना कि वहां से भाग गया तो। तो वो कहता है कि अगर तुम लौट के नहीं आए तो, तो मालव जी कहते हैं कि मैं वीर पुत्र हूं, बहादुर व्यक्ति का पुत्र हूं।
झूठ बोलकर मैं मृत्यु से बचना चाहूं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपनी माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊंगा। चलिए लास्ट में किसने मुझे अपना नंबर लिखवाया था, नाम बताओ बेटा अपना। मलिक अस्मीना। अस्मिना, अस्मिना पढ़ो तो बेटा। हाँ, शिवाजी बालक की वीता की मन ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ यही देखना है। मालव जी का प्रस्थान। शिवाजी, अहो इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। इसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी तुम्हारी क्या राय है? तानाजी, महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध मुग्ध हूँ। ओके, वेरी गुड अस्मिना। तो शिवाजी जो है ना, वो फिर कहते हैं कि ठीक है जाओ, के मन ही मन उसकी सराहना करते हैं, यानी उसके सराहना यानी उसकी तारीफ करते हैं कि वाह कितना वीर है। और फिर कहते हैं ठीक है जाओ तुम, तो मुझे भी यही देखना है। उन्हें क्या देखना था कि ये वापस आता है कि नहीं, और मालव जी का प्रस्थान यानी मालव जी जाता है। फिर शिवाजी कहते हैं कि तानाजी से कि इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, यानी बहुत वीर है ये, और इसके साथ ये अपनी माता का भी भक्त है। तो ऐसे बालक जो है वो माता पिता की लाज रखते हैं, यानी उनका नाम बनाए रखते हैं। तुम्हारी क्या राय है तानाजी? तो तानाजी कहते हैं कि आप क्या बात करते हो, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। वीरता यानी बहादुरी और हिम्मत, साहस यानी हिम्मत पर मुग्ध हूँ। मुग्ध हूँ यानी मोहित हूँ, मैं तो बहुत मोहित हो गया हूँ इसकी वीरता और साहस पर। तो शिवाजी कहते हैं जानते हो तानाजी मैं इसके साथ क्या करूंगा? कि पुत्र तुम जानते हो मैं इसके साथ क्या करूंगा? तो तानाजी कहते हैं नहीं महाराज। चलो फातिमा पढ़ो तो। फातिमा, ज़ैनब। हाँ मैम। यस मैम। ज़ैनब पढ़ो। यस मैम। ताना जी, घातक के साथ इतनी दया धन्य है। कहाँ पहुंचे ज़ैनब हम? सॉरी, उसके ऊपर में आप लोग, सॉरी नहीं ज़ैनब, सॉरी नहीं, आप लोगों का ध्यान ही नहीं है ना, फातिमा का ध्यान है ना किसी और का ध्यान है। नहीं मैम, मैं पानी शिवाजी पानी मोबाइल में गिर गया तो वो है। मुझे कोई कारण नहीं चाहिए फातिमा, चुप रहो ज़ैनब 2 मिनट। मुझे किसी का कोई कारण नहीं चाहिए। किससे पूछ के गए थे? क्लास में होते हो तो ऐसा करते हो? नहीं मैम। ज़ैनब आपको पता है कहाँ पहुंचे? हाँ मैम। तो पढ़ो ठीक से। शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्यु दंड से मुक्त करने की आप अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया धन्य है। गुड, अब यही ध्यान रखना है। इसीलिए हाँ। पढ़वाती हूँ कि मुझे पता चले कि आप लोगों का ध्यान होता कहाँ है और आप जाते कहाँ हो। हाँ मैम। तो शिवाजी कहते हैं कि अभी तो मैं इसकी परीक्षा ले रहा हूँ, अगर ये वापस आ गया तो ये परीक्षा में सफल होगा, तो इसके बाद मैं इसे मृत्यु दंड से मुक्त कर दूंगा और इसे अपनी सेना में भर्ती कर लूंगा।
और मुझे विश्वास है कि अपनी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटेगा। तो तानाजी कहते, घातक के साथ इतनी दया, आप धन्य हैं। घातक यानी मारने वाला, उसके साथ इतनी दया, आप महान हैं महाराज। चलो फातिमा पढ़ो अब, और ठीक से पढ़ना। ताना जी, मरने वाले से बचने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुम्हारी हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा अभी आभारी रहूंगा। ताना जी, महाराज आप ये क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। इसमें हमारी होने का क्या बात है? शिवाजी, ताना जी तुम धन्य हो। तुम्हारे ही जैसे सेनायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। ताना जी प्रमाण करता है जो आगरा महाराज प्रस्थान। ओके आज फातिमा आपने कुछ अच्छा पढ़ा। हाँ, रोज से आपने, मैंने कहा था वैसे पढ़ना शुरू किया, रोज एक एक पैराग्राफ। यस, मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया है। वेरी गुड। देखो, थोड़ा थोड़ा शुरू किया तो भी फर्क आने लगा ना। अगर आप रोज अच्छे से थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना, तो आपकी ये जो पढ़ने की हैबिट है ना, आदत है ना, वो अच्छी हो जाएगी। आप अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, ओके मैम। थैंक, वेरी गुड। चलो अब आगे पर देखते हैं कि शिवाजी क्या कहते हैं कि मारने वासी वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और तुमने तो मेरी जान बचाई है। ताना जी ने उसकी जान बचाई ना, इसलिए वे कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ, यानी उसका धन्यवाद करते हैं। तो तानाजी क्या कहते हैं, इसमें आभारी होने की क्या बात है? मैं तो आपका दास हूँ, यानी सेवक हूँ। आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसमें आपको मुझे आभारी होने की कोई जरूरत नहीं है। तो शिवाजी कहते हैं कि तुम भी महान हो तानाजी। तुम्हारे जैसे सेना नायकों पर भारत माता जो है वो गर्व करती है। अच्छा, अब तुम भी जाओ और थोड़ी देर आराम करो। तो तानाजी महाराज को प्रणाम करते हैं, और जो आज्ञा ऐसा कहकर वह वहां से जाते हैं, प्रस्थान करते हैं, यानी जाते हैं। चलो, अब कोई है दूसरा जो पढ़ेगा? मैं पढ़ू बुशरा? क्यों बुशरा, अभी तक तो आप थे नहीं ना जब मैं आपसे बात कर रही थी तब। अगर भी मैं लेफ्ट हो गई थी। मैंने गर्ल्स ये सही कह रहे हैं, ये लेफ्ट हो गए थे। कंप्लीट नहीं हो गई। नहीं, इकरा, मैं पढ़ू बुशरा गलती सही से। कह रही है? हाँ मैम, सही बुशरा कह सही। रही हूँ। वो लेफ्ट हो गई थी। ओके चलो बुशरा पढ़ो। चलो हाँ मैम। हाँ, दूसरा दृश्य। खान, शिवाजी के दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह राणा जी की ओर मुंह फेर कर, राणा जी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है, तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। ताना जी महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। वेरी गुड। चलो, जो दूसरा दृश्य यानी ये जो रात का दृश्य था वो खत्म हुआ, इसलिए पर्दा गिर गया।
अब सेट पे क्या होता है, पर्दा गिर जाता है ना, फिर दूसरी तरफ दूसरा सेट लगाया जाता है फटाफट फटाफट, और फिर पर्दा खोला जाता है, यानी फिर दूसरा दृश्य जो है वो शुरू होता है। तो अब दूसरा दृश्य जो है ना, उसमें कौन सा स्थान है, तो के शिवाजी के दुर्ग का कमरा, यानी उन्हें बैठक का कमरा, जहाँ वो अपने खास खास मंत्रियों के साथ बैठते हैं ना, वो कमरा। और समय कौन सा था, दोपहर का था, है ना। तो शिवाजी जो है ना, वो तानाजी की ओर मुंह करके कहते हैं कि तानाजी, पता नहीं क्यों बार बार मेरा मन जो है ना, वो उस बालक की ओर जाता है, और मुझे उस बालक पर प्रेम आ रहा है, और जब से वो गया है ना, तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तो तानाजी कहते हैं कि ये तो उसकी वीरता और साहस के कारण ऐसा हो रहा है महाराज, कि आप बार बार जो है वो उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो शिवाजी कहते हैं कि तानाजी, तुम सत्य कहते हो, मैं इसकी वीरता पर मोहित हो गया हूँ। इतनी छोटी सी अवस्था में इस बालक में कितनी हिम्मत है, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना भी कांपती है, उसके सामने यह बालक जो है इतनी हिम्मत कर रहा है, इतना साहस कर रहा है। यानी यहाँ एक सवाल बनता है कि शिवाजी के नाम से कौन कांपता था? मुगल सेना, हाँ, मुगल सेना। कौन मुगल कांपता था गर्ल्स? हाँ, कि मेरे सामने तो मुगल सेना भी डरती है, और इस छोटे से बालक ने इतनी हिम्मत दिखाई। चलिए, अब कौन है जो पढ़ेगा? सेना। नहीं, जिनकी बारी आ गई वो नहीं बोलेंगे, हमेशा तो कहा है, फिर क्यों पूछना? जिनकी बारी नहीं आई वो ही। चलिए, कौन मैं बाकी है? पढ़ू रोल नंबर नाम बताओ बेटा। तेरा। ओके खदीजा, पढ़ो। चलो, ताना जी, इसमें भी क्या कोई संदेह है? दरबान पढ़ो। महाराज साहेब शिवाजी, उसे बुला लाओ। मालव जी, महाराज का अपराधी मृत्युदंड पाने प्रस्तुत है। ओके, अब ताना जी जो पुत्र, है तुम ना, इतनी जल्दी बस कैसे बस आ गए? बस बस, अब जब महाराज कहते हैं ना कि उसके सामने एक बालक ने इतनी हिम्मत की, वो बहुत हिम्मतवान है, तो तानाजी कहते हैं कि अभी भी आपको कोई संदेह है कि वो कितना हिम्मतवान है? उतनी देर में दरबान वहां आता है, जो राजा के कमरे के बाहर खड़े रहते हैं ना, दो जो कोई मिलने आए तो उन्हें पूछ के आता है पहले, वैसे। तो वो दरबान अंदर आता है और पूछता है कि महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। तो शिवाजी कहते हैं ठीक है, उसे बुला लाओ। तो दरबान किसे साथ लेकर आते हैं? उस बालक उस बालक का नाम क्या था? मालो जी, हाँ, मालव मालव जी को जी। साथ लेकर अंदर आते हैं। तो महाराज, मालव जी कहता है कि महाराज, मैं आपका अपराधी, अब मृत्युदंड पाने के लिए वापस आ गया हूँ। तो शिवाजी कहते हैं कि वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या कहते हैं कि बालक, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? चलिए, अब कौन पढ़ेगा? मैं एक सवाल पूछूं। संदेह हाँ, पूछो ना बेटा। का मतलब? अच्छा, शंका, संदेह मतलब शंका। मैं चलिए, आप कौन पढ़ने वाला है? फातिमा पढ़ू मिस, कोई नहीं भी नहीं। बेटा, बेटा तुम और जैनब क्यों ऐसा करते हो? अगर पहले सबकी बारी आ जाए फिर ही हम बोलते हैं, आपको तो पता है, फिर क्यों ऐसा करना फातिमा, क्यों बोलना पड़ता है? चलिए, और कौन बाकी है अब? मतलब कोई नहीं बाकी है ना? मैं बोलूं, नाम बताओ। मेरा नहीं सारा। हाँ सारा, पढ़ो। चलो बेटा। अन्ना जी, इसमें भी क्या कोई
इसमें भी क्या यहाँ पहुंचे बेटा, यहाँ पहुंचे। मालव जी, महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। शिवाजी कहो वो कौन सी बात है। ओके, तो मालव जी कहता है कि महाराज मैं जब यहाँ से आपसे विदा होकर घर पहुंचा ना, तो मेरी माता जो है वो बहुत देर से मेरा इंतजार कर रही थी। एक ही बेटा था ना, तो माँ कब से उसका इंतजार कर रही थी। उसके अलावा मालव जी के अलावा उसका और कोई था भी नहीं, तो वो कब से उसका इंतजार कर रही थी। और कहती है कि जब मैं पहुंचा तो मेरी माता ने मुझे गले से लगा लिया, क्योंकि मैं देर से घर पहुंचा ना, तो वो मेरी चिंता में थी। तो जैसे ही मैं पहुंचा उसने मुझे अपने गले से लगा लिया, और मुझे भी ऐसा लगा कि क्यों ना मैं अपनी माँ से सारी बातें कह दूं। तो मैं उससे कहने ही वाला था, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई उनसे सारी बात कहने की। तो मैं तुरंत उनसे मिलकर वापस आ गया, ज्यादा देर रुका नहीं। तो फिर मालव जी कहते हैं कि मुझे आपसे एक और बात कहनी है मरने से पहले। तो शिवाजी कहते हैं वो क्या। चलो अब कोई बाकी नहीं है ना। नहीं, ओके चलो इकरा से शुरू करते हैं। फिर उसके बाद किसने पढ़ा था। अस्मिना ने। हाँ अस्मिना ने पढ़ा था। चलो इकरा फिर अस्मिन। ओके मिस मालव जी, मेरी माँ की देख रेख का मिस दिखाई नहीं दे रहा। ज़ूम करो ना बेटा, ज़ूम करो। हाँ मिस दिखाई दे दे। मालव जी, मेरी माँ की देख रेख का संसार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी, वीर पुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब बस मैं तुम्हारी। ओके बस चलो उसके बाद पढ़ो अस्मिना। हाँ मैम, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। मालव जी, शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य है। ओके, तो अब मालव जी कहते हैं कि आप ना मेरी माँ की देखरेख की जिम्मेदारी ले लो, क्योंकि उसे तो मृत्युदंड होने वाला था ना। तो उसे लगा मेरे मरने के बाद मेरी माँ का क्या होगा। तो उसने कहा कि आप मेरी माँ की देख रेख की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो। तो शिवाजी कहते हैं कि तुम सचमुच वीर हो, और शिवाजी जो है वो वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। तो अब मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा, तुम्हें मैं अपराधी से क्षमा करता हूँ। अपराध यानी जो उसने अपराध किया था ना, शिवाजी को मारने की कोशिश, वो अपराध, उससे मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तो मालव जी शिवाजी के पैरों में गिर जाते हैं कि आप तो धन्य हो, महान हो महाराज। फिर शिवाजी मालव जी को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुखों से दुखी हो ना, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। और मैं किस लिए दुखी हूँ कि रात दिन मुझे यही चिंता रहती है कि किस प्रकार मैं भारत माता के दुख दूर करूं। तो मालव जी कहते हैं कि महाराज, अब मेरा शरीर आपका है, क्योंकि आपने मुझे जीवन दान दिया, मुझे जीवित छोड़ दिया है, इसलिए तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मेरे शरीर में जान है मैं मातृभूमि की सेवा करूंगा, यानी देश की सेवा करूंगा। तो शिवाजी कहते हैं कि मुझे तुमसे
यही आशा थी। क्लियर, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। चलिए अब यहाँ शब्दार्थ देख लेते हैं। चलिए, तत्पर यानी तैयार। तैयार। कष्ट यानी दुख। 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 फिर कर्तव्य यानी फर्ज। ओके। मुक्त यानी मोहित। फिर पर्याप्त यानी काफी। वत्स यानी बालक। दुभर कठिन। दायित्व जिम्मेदारी। प्रतिष्ठा सम्मान। वेरी गुड। चेष्टा प्रयत्न। अगाध अपार। वेरी गुड ज़ैनब, आपने सभी बोले हाँ शब्दों के अर्थ। वेरी गुड। चलो तो ये हुए शब्दार्थ, अब मुहावरे देख लेते हैं। प्राण न्योछावर करना, तो उसका अर्थ क्या होगा? जीवन समाप्त करना। हाँ चलिए, अब वाक्य कौन बनाएंगे? एक कोई बोलाओ, बोलो। मैं बोलू? हाँ बोलो। चलो इकरा। मालव जी के पिताजी ने अपनी से अपने राज्य को बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर लिए। वेरी गुड, वेरी गुड इकरा। आपने वाक्य अच्छा बनाया, पर गर्ल्स याद रखिए, जब भी हम मुहावरे के वाक्य बनाते हैं ना, तो वाक्य छोटे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? छोटे। हाँ, इकरा ने वाक्य बिल्कुल सही बनाया। देखिए, जब हम वाक्य बनाते हैं ना, तो अर्थ जो है ना वो उसमें नहीं आना चाहिए, उसमें प्रश्न जो है ना वो आना चाहिए। इकरा ने वही लिया, तो वो सब अच्छा था, वाक्य भी उसका सही था, पर थोड़ा लंबा हो गया। चलो उसी का वाक्य मैं सही कर देती हूँ, ठीक है? थोड़ा छोटा कर देती हूँ। तो प्राण न्योछावर करना यानी जीवन समर्पित करना। तो मालव जी के पिता ने अपने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। हो गया ना छोटा वाक्य? यस मैम। यस मैम। देखो इकरा का सही था, गलत नहीं था, इसलिए मैंने उसी के वाक्य को थोड़ा सा छोटा बना के कर दिया। चलिए अब वध करना मतलब हत्या करना, मार डालना। चलो वाक्य बनाओ। मालव जी ने शिवाजी को मारने की कोशिश की। इसमें वध करना शब्द आया बेटा कहीं? नहीं। हाँ तो आना चाहिए ना, प्रश्न का तो आना ही चाहिए। मैम मैं बोलूँ ठीक से? बोलो। मालव जी ने शिवाजी का वध करने की कोशिश की। हाँ वेरी गुड, मालव जी ने शिवाजी का वध करने की कोशिश की। चलो उसके बाद हिम्मत न पड़ना, तो क्या बात नहीं कर सकता। बात न कर सकना। ओके चलो वाक्य बनाओ। मालव जी ने अपनी माँ को कहने की हिम्मत न पड़ाना। बेटा पहले तो पूछा करो कि मैं बोलूं, आप और जिन्हें पूछते नहीं सीधा बोलने लगते हो, मुझे यही अच्छा नहीं लगता बेटा। सॉरी मैं आपको बोल, सॉरी सॉरी, अब फिर सॉरी सॉरी ही बोलते हो। मिस मैं भी बना रही थी वाक्य। बीच में मत बोलो ज़ैनब, आपसे कुछ कहा? चलो कौन बना रहा है सही वाक्य? चलिए वाक्य कौन बनाएगा? मिस हाँ मिस मैं कोशिश करूं? हाँ करो। माला जी ने हिम्मत सबके सामने हिम्मत से बात की। नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा।
चलिए कौन बनाएगा? अस्मिना हाँ मैम बनाओगे बेटा, कोशिश करोगे? हाँ बोलू, हाँ बोलो ना। माता जी के सामने मालव जी की हिम्मत न पड़ना, ना पड़ी, ऐसा भी कर सकते हो। पढ़ना शब्द है तो वही लेना, ऐसा नहीं है, ठीक है? हम उसमें थोड़ा बहुत फर्क कर सकते हैं। हाँ सही कहा कि अपनी माँ को सच बताने की मालव जी की हिम्मत ना पड़ी, अपनी माँ को सच बताने की मालव जी की हिम्मत ना हुई, ठीक है? चलो लास्ट, जीवन दान देना यानी जिंदा जाने देना। चलिए इसका वाक्य कौन बनाएगा? मैं फातिमा बोलू। हाँ बोलो फातिमा। शिवाजी ने मालव को जीवन दान दिया। वेरी गुड, चलो इस बार आपने परफेक्ट बनाया। हाँ अब आ गए आपको, शिवाजी ने मालव जी को जीवन दान दिया, वेरी गुड। चलो आपको अब समझ में आ गया ना ये क्या है सब? हाँ मैम आ गया। हाँ मैम। जो तो आपको होमवर्क में क्या करना है? चलो बताओ आज का होमवर्क आप बताओगे मुझे। आज का मुहावरे का शब्द समूह, मुहावरे का अर्थ लिखना है। वेरी गुड। हाँ शब्दार्थ और मुहावरे जो हैं, अर्थ और वाक्य के साथ। ज़ैनब म्यूट